हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ट्रेवल गुरु घूमो दिल से। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ राजस्थान, और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा अनोखा स्कूल जिसे देख आपको ऐसा लगेगा कि यह अपने देश का बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह से ट्रेवल से रिलेटेड और यूनिक वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको यह स्कूल अच्छे से देखने को और उसकी क्या खासियत है ये आपको पता चल सके। तो चलते हैं वीडियो में आगे। इस स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है, और यह है राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में फैले विशाल मरुस्थल के बीच में कनोई गांव में बनाया गया है। इस स्कूल को बनाने का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे स्थानीय समुदायों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। इस स्कूल की इमारत डायना कैलॉग आर्किटेक्ट द्वारा की गई है, और इसे माइकल ड्यूब द्वारा स्थापित एक इंटरनेशनल एनजीओ द्वारा फंडिंग की गई है, और यह एनजीओ हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जैसलमेर का दिन का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी कई बार चला जाता है, और इस स्कूल की डिजाइन ऐसी की गई है कि इसके अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। इस स्कूल में छात्राओं के लिए क्लासरूम, एक लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर सेंटर और एक सेंट्रल हॉल है। इस स्कूल में एक सेंट्रल हॉल है जो गर्ल्स और स्कूल और महिला कोऑपरेटिव के रूप में काम करेंगे। यहाँ लगभग 400 छात्राओं को एजुकेशन और साथ में मिड डे मील मिलेगा। और इस स्कूल की सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे गांवों की छात्राओं के लिए बस फैसिलिटी भी उपलब्ध रहेगी, जिससे वो आसानी से आ जा सकेंगी। यह स्कूल भवन जैसलमेर के प्रसिद्ध सैम सैंड टिब्बा से मात्र 6 मिनट की दूरी पर कनोई गांव में स्थित है। इसे आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ ही जैसलमेर के पर्यटन, संस्कृति, शिल्प कौशल और अन्य विशिष्ट पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, जब भी आप जैसलमेर जाते हैं तो यह स्कूल ज़रूर घूमिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।